हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बार फिर से वेल्डिंग के ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की दो वीडियोस में भी हम ये सब कर चुके हैं, तो आज लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम किसी और नए टॉपिक पर चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है इस पे। जैसे कि बेसिक तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब थोड़े से अलग लेवल पे जाके डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन से। अगर आपको लगेगा कि हाँ इस पर और क्वेश्चन आने चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इस पर और भी सीरीज बना दूंगा, और भी वीडियोज अपलोड कर दूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं उन्हें पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे पहले स्टेटमेंट कहा गया है, पहले स्टेटमेंट में इन गैस वेल्डिंग में जो टॉर्च हम यूज करते हैं उसे हमें 30 से 45 डिग्री पर रखना होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में। मतलब जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसे 30 से 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए टॉर्च का। पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि गैस वेल्डिंग में जो एंगल है टॉर्च का वो डिपेंड करता है कि हमें कितनी मेटल कितनी थिकनेस बनानी है। और तीसरी स्टेटमेंट ये है कि ड्रैग इन गैस कटिंग, जो हम ड्रैग की बात करते हैं गैस कटिंग में, वो टाइम डिफरेंस है प्लेट की हीटिंग डिफरेंस बिटवीन द हीटिंग ऑफ द प्लेट की, कब प्लेट हीट होना स्टार्ट करती है एंड स्टार्टिंग द ऑक्सीजन गैस फॉर कटिंग, और हम ऑक्सीजन गैस को कब स्टार्ट करते हैं, मतलब इसको ड्रैग कहते हैं, ऐसा कहा गया है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हैं ए ऑप्शन में कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बी ऑप्शन में कहा गया कि पहली दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सी ऑप्शन में कहा गया कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, और डी ऑप्शन में कहा गया कि फर्स्ट और थर्ड वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका सही जो आंसर है फर्स्ट का वो है बी पार्ट, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब कि गैस वेल्डिंग में एक तो है कि हम एंगल जो है हम टॉर्च का वो 30 से 45 डिग्री रखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में, अगर कोई कंडीशन ना गिवन हो तो। अगर वो कंडीशंस के बाद बात करें तो कंडीशंस में ये आता है कि अगर थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें एंगल टॉर्च का कितना एंगल रखना है, वो कंडीशन पर आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर बी ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक्स इज वैक्यूम इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड, कि जो हमें चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन से ऐसी वेल्डिंग टेक्निक है जिसे हम जिसमें हमें वैक्यूम इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, सेकंड है लेजर बीम वेल्डिंग, थर्ड है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, और फोर्थ है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में हमें वैक्यूम इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रो डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग। हम आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो जो मेन क्राइटेरिया है इलेक्ट्रोड का डायमीटर सेलेक्ट करने का वो क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है कि मटेरियल टू बी वेल्डेड, हमें किसके अकॉर्डिंग डायमीटर सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है कि मटेरियल टू बी वेल्डेड, कि किस मटेरियल को हमें वेल्ड करना है उसके अकॉर्डिंग, या थिकनेस ऑफ मटेरियल, की मटेरियल की कितनी थिकनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग, वोल्टेज यूज्ड या करंट यूज्ड, मतलब इनमें से कौन सा पैरामीटर है जिसको हमें ध्यान में रखना है, ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रोड के डायमीटर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि थिकनेस ऑफ मटेरियल, हमें देखना है कि मटेरियल कितनी थिकनेस चाहिए, कितनी थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग हम डायमीटर सेलेक्ट करते हैं आर्क वेल्डिंग में। ठीक है, बाकी जनरली जो डायमीटर होता है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जनरल डायमीटर कितना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है कि फिर से एक बार कहा है कि लेजर बीम वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उन्हें हमें पढ़ना है और बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे ये सारा है लेजर बीम वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है इट कैन बी यूज फॉर वेल्डिंग एनी मेटल और दे कॉम्बिनेशन बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर द फोकल पॉइंट। सिंपल सी बात यह कि इसमें पहले ऑप्शन में कहा गया कि इसको हम लेजर बीम वेल्डिंग को वेल्डिंग किसी भी मतलब मेटल की वेल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या दो से ज्यादा एक से ज्यादा जो मेटल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन को वेल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं जब कोई भी हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो, मतलब हाई टेम्परेचर में हम लेजर बीम वेल्डिंग का यूज कर सकते हैं। पहले ऑप्शन में सिंपल भाषा में ये कहा गया। दूसरा ऑप्शन में कहा गया है कि हीट अफेक्टेड जोन इज वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ क्विक हीटिंग, कि हीट अफेक्टेड जोन के बारे में पढ़ा हुआ वेल्डिंग में, इसमें कहा है कि हीट अफेक्टेड जोन जो है वो इसमें ज्यादा होता है, ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें हीटिंग क्विक होती है, जल्दी से हीट होने के कारण वहाँ पे हीट अफेक्टेड जोन ज्यादा बड़ा हो जाता है। और थर्ड ऑप्शन कहा गया है कि हाई वैक्यूम इज रिक्वायर्ड टू कैरी द प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए हमें हाई वैक्यूम चाहिए। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शंस दिए हैं, पहले ऑप्शन में कहा गया कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी में कहा गया कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, और फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी आंसर है इसका बेसिकली, कि सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी दो इस केसेस में सही नहीं है, सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेस्ड ज्वाइंट, मतलब ब्रेसिंग की हम बात करें उसमें जो स्ट्रेंथ होती है उस ज्वाइंट की, या ब्रेसिंग से जो हम ज्वाइंट हमें मिलता है उसकी स्ट्रेंथ जो है, वो चार ऑप्शन दिए इनमें से क्या सही है उसके लिए, उस ज्वाइंट उस स्ट्रेंथ के लिए। पहला ऑप्शन है कि जो स्ट्रेंथ होती है ब्रेस ज्वाइंट की वो कम हो जाती है। अब देखो दो ज्वाइंट हम ज्वाइंट की बात करें तो दो चीजों के बीच को हम ज्वाइंट कर रहे हैं, उनके अगर बीच का जो गैप है अगर वो बढ़ता जाएगा तो उसके साथ ब्रेस ज्वाइंट की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, पहले ऑप्शन में ये कहा गया है। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि जैसे जैसे वो गैप बढ़ता जाएगा दोनों सर्फेसिस के बीच में जिनको हमें ज्वाइन करना है, जैसे जैसे वो गैप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी, सेकेंड ऑप्शन ये है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी किसके साथ, एक सर्टेन लिमिट है, एक लिमिट है कि हाँ इतना गैप होना चाहिए, अगर उसके बाद उस गैप के साथ क्या कि डिक्रीज अप टू सर्टेन गैप बिटवीन द टू जॉइनिंग सर्फेसेस ज्वाइंट इंक्रीजेस, इसमें कहा गया कि वो कम होती जाएगी, कुछ एक लिमिट होगी गैप की कि हाँ इतना ही गैप होना चाहिए, उस गैप तक क्या होगा वो स्ट्रेंथ जो है कम होती रहेगी पहले, और उस गैप के होने के बाद वो स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि जो स्ट्रेंथ होगी ब्रेस ज्वाइंट की वो पहले तो बढ़ती जाएगी, गैप में लिमिट रखती कि हाँ इतना गैप बचना चाहिए, अगर उस गैप तक पहुंच गए तो ठीक है वो स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, लेकिन उस गैप के बाद भी अगर हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो जो ब्रेस ज्वाइंट की स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो है फिफ्थ का वो है ऑप्शन डी, यानी कि एक गैप है, डी ऑप्शन में कहा गया कि एक गैप है वहां तक अगर हम उसको ब्रेस करते रहेंगे ज्वाइन करते रहेंगे तो ठीक है करेक्ट है स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर एक जो गैप की लिमिट है उसके बाद भी हम चले जाएंगे फिर भी हम ज्वाइंट को ब्रेस करते जाएंगे ब्रेसिंग करते जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन फिफ्थ का आंसर ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, कहा गया कि दो लिस्ट दी है हमें, पहली लिस्ट में हमें किया गिवन है फिलर रॉड मटेरियल्स, कि हम जो भी हम वेल्डिंग की बात करें अगर वहाँ पे फिलर रॉड यूज करें तो उसके मटेरियल्स के बारे में गिवन है हमें, और सेकंड लिस्ट में ज्वाइनिंग प्रोसेस कौन सी टेक्निक से हम ज्वाइन करें मटेरियल्स को, तो इन दोनों को हमें मैच करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कोडिंग दी गई है तो हमें मैच करना है कौन सी जो है सीरीज जो है करेक्ट है। जैसे पहली सीरीज में कहा गया है कि ए ऑप्शन का जो है आंसर है वो जैसे माइल्ड स्टील के लिए हम रिंग वेल्डिंग यूज करते हैं, ब्रॉन्ज के लिए हम ब्रेज वेल्डिंग यूज करते हैं, वैसे उस तरह से बाकी ऑप्शंस गिवन है। जैसे सी ऑप्शन के लिए कहा गया कि सी ऑप्शन में कहा गया है कि माइल्ड स्टील ए है यानी कि माइल्ड स्टील के लिए हम यूज करते हैं थर्मिट वेल्डिंग, ये फोर्थ वाली। फिर ब्रॉन्ज सेकेंड है, ब्रॉन्ज के लिए हम यूज करते हैं ब्रेजिंग, मतलब इस तरह से ऑप्शन दिए तो हमें बताने की करेक्ट सिक्वेंस कौन सी है। देखो यहाँ पे आपको सबका नाम भी पता तभी आप आंसर बता सकते हो उसका, सिंपल सा यहाँ पे एक ऑप्शन सिंपल सा क्लू दिया हुआ है लेड और टिन का एलॉय, लेड और टिन एलॉय हमको अगर सोल्डरिंग के बारे में तो पता है, अगर आपको पढ़ा होगा सोल्डरिंग के बारे में तो आपको इजीली यहाँ से पकड़ लोगे आप कि सोल्डरिंग में लेड और टिन का एलॉय होता है जो जिसको हम सोल्डर कहते हैं, तो यहाँ से आपको समझ आएगा कि डी डी का जो आंसर है वो सेकंड होगा, तो जहाँ पर भी डी का सेकंड है वो आंसर करेक्ट होगा हमारा। तो यहाँ पर डी जो डी है हमारे पास लेड और टिन का एलॉय उसके लिए सोल्डरिंग यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि हमारे पास जो आंसर है या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन सी है, इन दोनों में से एक सही होगा। अब एक और देख लेते हैं कोई, अब यहाँ अगर हम बात करें माइल्ड स्टील की तो माइल्ड स्टील के बारे में भी आपको पता होगा कि माइल्ड स्टील की हम वेल्डिंग करते हैं निग वेल्डिंग से, तो ए का जहाँ पर वन होगा वही करेक्ट होगा, तो ए का वन पहले ऑप्शन में ही है, तो यहाँ से पता लग गया हमें कि फर्स्ट वाला जो ए है वो करेक्ट है, क्योंकि देखो अगर आपको माइल्ड स्टील के बारे में ना भी पता तो आपको ब्रास के बारे में पता ही होना चाहिए कि ब्रास की वेल्डिंग जो है ब्रेजिंग से ही हम करते हैं, तो यहाँ से आप इनके बारे में आपको वेल्डिंग के बारे में पढ़ा हो तो इसके बारे में आप इजिली पता कर सकते हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिक्स का है ऑप्शन ए, तो यहाँ से आप समझ जाओगे कौन सा किसके लिए हम वेल्डिंग वगैरह ज्वाइन वगैरह करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल्स बाय आर्क वेल्डिंग, अगर हम आर्क वेल्डिंग की बात करें, आर्क वेल्डिंग की हेल्प से हम अगर वेल्डिंग कर रहे हैं और किसकी वेल्डिंग कर रहे हैं नॉन फेरस मेटल्स की अगर वेल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको आर्क वेल्डिंग यूज कर रहे हैं किसके लिए यूज कर रहे हैं नॉन फेरस मेटल्स के लिए यूज कर रहे हैं, अगर हम इसको यूज करेंगे आर्क वेल्डिंग को नॉन फेरस मेटल्स के लिए तो हम इसमें से किस चीज को प्रेफर करेंगे, चार ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है कि एसी लो फ्रीक्वेंसी को प्रेफर करेंगे या फिर एसी हाई फ्रीक्वेंसी को या डीसी सोर्स को या फिर सभी को हम यूज करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि डीसी हम डीसी पावर सोर्स को यूज करेंगे अगर हमें नॉन फेरस मेटल्स की वेल्डिंग करनी हो तो आर्क वेल्डिंग के अच्छे। ठीक है, अब इस तरह से एट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एट क्वेश्चन में कहा गया है कि टू शीट्स ऑफ द सेम मटेरियल, दो शीट्स हैं दोनों का मटेरियल सेम है बट डिफरेंट थिकनेस, लेकिन दोनों की थिकनेस अलग अलग है, अगर हमें उनकी बट वेल्डिंग करनी हो, बट वेल्डिंग के बारे में आपको पता होगा, अगर हमें उनकी बट वेल्ड करना हो, उन्हें बट वेल्ड करना हो तो हम किसका यूज करेंगे इन चार ऑप्शंस में से, पहला ऑप्शन है कि एडजस्टमेंट ऑफ द करंट, हम करंट को एडजस्ट करके उन शीट्स को हम वेल्ड कर सकते हैं,
सेकंड ऑप्शन है टाइम ड्यूरेशन ऑफ करंट, टाइम ड्यूरेशन सेट करके हम उसको वेल्ड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है प्रेशर अप्लाइड कि हमें कितना प्रेशर के अकॉर्डिंग हम प्रेशर अप्लाई करके हम शीट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। या डी ऑप्शन है चेंजिंग द साइज ऑफ वन इलेक्ट्रोड, किसी भी एक इलेक्ट्रोड का साइज चेंज करेंगे तो हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि चेंजिंग द साइज ऑफ वन इलेक्ट्रोड। अगर हमें दो शीट्स हैं दोनों सेम मटेरियल के बट थिकनेस अलग है, उनको बट वेल्ड करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रोड के साइज को चेंज करना होगा। अब इसी तरह से नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि लेजर वेल्डिंग फाइंड्स वाइडेस्ट एप्लीकेशन, मतलब जो लेजर वेल्डिंग है उसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन कहाँ पर है। चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हैवी इंडस्ट्री, कि हैवी इंडस्ट्री में लेजर वेल्डिंग को यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, या स्ट्रक्चरल वर्क के लिए, या फिर प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए। इसमें से किसके किस एप्लीकेशन में हमें लेजर वेल्डिंग का ज्यादा यूज देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लेजर वेल्डिंग को यूज किया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि इन कोटेड इलेक्ट्रॉन इन आर्क वेल्डिंग, मतलब इन कोटेड इलेक्ट्रॉन इन आर्क वेल्डिंग की बात करें, तो कोटेड इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इन चार ऑप्शन को देखना हमें और बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट है कि बोथ रॉड एंड कोटिंग मेल्ट साइमल्टेनियसली, अगर हम आर्क वेल्डिंग की बात करें तो उसमें जो हमारे पास कोटेड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जो हम कोटिंग यूज करते हैं, उसमें होता क्या कि पहले ऑप्शन में कहा गया कि दोनों रॉड और कोटिंग जो है वो इकट्ठे मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि कोटिंग मेल्ट फर्स्ट एंड देन रॉड मेल्ट, कि सबसे पहले कोटिंग मेल्ट करती है फिर रॉड मेल्ट करता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे स्टिक इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग की गई थी ताकि फ्लक्स वगैरह क्या वो जो सारा सिस्टम था ऑक्सीजन को रिजेक्ट ना करें, वो सारी चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है। पहले कहा जा रहा है कि जो रॉड है, यानी कि जो हमारे पास रॉड थी स्टिक इलेक्ट्रोड था, और कोटिंग उसके ऊपर जो कोटिंग थी वो दोनों साइमल्टेनियस मेल्ट करेंगे। दूसरे ऑप्शन में कहा गया कि पहले जो कोटिंग मेल्ट करेगी उसके बाद रॉड मेल्ट होना स्टार्ट होगी। फिर थर्ड कहा गया है कि जो भी पहले मेल्ट करेगा वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी पोलैरिटी यूज कर रहे हैं। फिर फोर्थ ऑप्शन में कहा गया कि पहले रॉड मेल्ट करेगी और उसके बाद कोटिंग मेल्ट करेगी। तो इसका जो ऑप्शन है सही करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि पहले रॉड मेल्ट करेगी और उसके बाद कोटिंग मेल्ट करेगी। अगर आपको इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में पता होगा तो अभी इजिली इसको पकड़ गए होंगे, समझ आ गया होगा आपको इजिली। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, 11th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा गया है कि द मेन एडवांटेज ऑफ मिग वेल्डिंग ओवर टिग वेल्डिंग, हमने मिग वेल्डिंग के बारे में पढ़ा, मैटेनेट गैस वेल्डिंग, इसकी क्या एडवांटेज है मेन टिग वेल्डिंग के ऊपर, यानी कि टंगस्टन एड गैस वेल्डिंग का अगर हम मिग वेल्डिंग के कंपेयर करें तो मिग वेल्डिंग की क्या एडवांटेज है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि फॉर्मर कैन बी यूज, फॉर्मर का मतलब जो हमने पहले बात की मिग वेल्डिंग, कि फॉर्मर कैन बी यूज टू वेल्ड हार्ड टू वेल्ड मेटल। सेकेंड ऑप्शन है फॉर्मर परमिट्स यूज ऑफ लार्ज करंट थे बाय अलाउइंग हाई डिपोजिशन, वेल्डिंग रेट इज वेरी फास्ट, या फिर वेल्डिंग इज कम्प्लीटली ऑटोमेटिक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको पता होगा, क्योंकि मिग वेल्डिंग के बारे में ज्यादा पढ़ा जाता मतलब पढ़ा जाता है, लेकिन आपको टिग वेल्डिंग समझ आ गया होगा सही से, तो मिग वेल्डिंग आपको इजीली समझ आ जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब थोड़ा सा ही डिफरेंस है तो वो क्या डिफरेंस है वो तो आपको पता होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी कि जो पहला वाला है मिग वेल्डिंग, उसके कारण क्या होता है, परमिट्स यूज ऑफ लार्ज करंट्स, वो हमें अलाउ करते हैं कि हम ज्यादा करंट यूज कर सकते हैं, और ज्यादा करंट यूज करेंगे तो डिपोजिशन रेट भी ज्यादा होगा। तो इसकी एडवांटेज है मिग वेल्डिंग की टिग वेल्डिंग के ऊपर। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको लगता है कि हाँ इस मिग वेल्डिंग पर एक वीडियो और होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही दो वीडियो बना चुका था, तीसरी वीडियो थी, अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस और होने चाहिए, इस पर एक वीडियो और होनी चाहिए, तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा, वरना मैं इसके बाद कुछ मटेरियल साइंस के टॉपिक्स पर जाऊंगा, कास्टिंग पर जाऊंगा, उन पर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।